सो हे एवरीवन, वेलकम इन TFA। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम अपनी वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकता है। आज हम अपनी वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है अग्नि स्कीम। रिसेंट डेज में मोदी गवर्नमेंट ने अभी अभी एक बम फोड़ा था जब PMO ने ट्वीट करके लोगों के साथ एक जानकारी शेयर करी, आने वाले 1.5 साल के अंदर 1,000,000 गवर्नमेंट जॉब दी जाएंगी। गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात की खुशी मनाए या दुख। दुख शब्द मैंने इसलिए बोला क्योंकि 2019 अप्रॉक्स फरवरी 2019 को रेलवे ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें 80,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी। वो वैकेंसीज भी अभी तक पूरी तरह से फिल नहीं की गई हैं और उसके बाद 1,000,000 जॉब देने का और वादा कर दिया है। आई होप ये कोई जुमला ना निकले। अब हम बात करते हैं अग्नि स्कीम के बारे में, जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हम सभी लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि अब डायरेक्टली कोई भी इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं होगी, जो भी भर्ती होगी वो अग्नि स्कीम के थ्रू ही होगी। अग्नि स्कीम के आने से ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अपने खजाने को बचाना चाहती है। आप सभी लोगों को किसान बिल तो याद ही होंगे ना, जिसमें जो गवर्नमेंट थी वो प्राइवेट प्लेयर्स को मंडी में एंट्री देना चाहती थी ताकि सरकार पर MSP का बोझ कम से कम पड़ सके। हालांकि कभी भी सरकार ने MSP देने के लिए मना नहीं किया, लेकिन सरकार MSP पे बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च करती थी। इसी तरह से जो गवर्नमेंट है वो भारतीय सैनिकों के ऊपर लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अमाउंट सैलरी और पेंशन में खर्च करती है। अगर हम एक सैनिक की एवरेज एज की बात करें जिसमें वो रिटायर होता है, वो 36 या 38 साल की उम्र होती है। इसके बाद 60 साल की एज तक उस सैनिक को पेंशन दी जाती है, जिससे जो सरकार का डिफेंस बजट होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। सरकार आर्मी के अंदर मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाती। अब यार हमें इन चीजों को तो समझना पड़ेगा कि सरकार इन चीजों को डायरेक्टली लोगों के सामने नहीं बोल सकती, इसलिए सरकार जो है घुमा फिरा कर बढ़ा चढ़ा कर इन बातों को बोला करती है। सरकार की भी मजबूरी होती है कि वो कैसे डिफेंस बजट को बैलेंस कर सके। डिफेंस बजट को बैलेंस करने के लिए सरकार ने अग्नि स्कीम को लाया। इस स्कीम के अकॉर्डिंग सरकार जो है वो 4 सालों के लिए सैनिकों को भर्ती करेगी और इसके बिहाव पे सरकार आपको टोटल 22 लाख से 25 लाख रुपए के बीच में देगी। अब एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे नहीं पता कि वो कितने देगी, लेकिन हाँ यू कैन डू गूगल। सरकार यहाँ पैसे बचाने में लगी हुई थी, लेकिन सरकार हमेशा भूल जाती है कि सरकार का सबसे वैल्यूएबल एसेट जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर लोगों को अपनी बात मनवा होती है तो वो सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी के पास ही जाते हैं। आप लोगों को क्लास का वो बच्चा तो याद होगा ना जो अपनी क्लास के कैमरे को तोड़ता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली फीस के रूप में पैसा उससे निकलवा ही लिया जाता है। और यही केस होता है पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ। लोगों को अगर धरना देना है, कुछ भी काम करना है, तो वो सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं? इन सभी चीजों का इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सभी लोगों पे पड़ता है। एक बात और, मैं हमेशा ये मेंशन करना चाहता था कि जो BJP गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करती है। जो BJP गवर्नमेंट है वो मिनिमम गवर्नेंस को फॉलो करती है और इसलिए कुछ पिछले सालों में आपको बोल्ड डिसीजन भी देखने के लिए मिले होंगे जो BJP गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। BJP गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए ये जो डिसीजन है, मैं इनको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये डिसीजन जो है वो फ्यूचर में भारत के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। सबसे अहम बात तो रही गई, जब भी लोगों को अपनी बात मनवानी होती है तो वो रेलवे के पास पहुंच जाते हैं और जो कोई भी ट्रेन दिखी उसे जला देते हैं। हाल ही के कुछ दिनों में आपको ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने के लिए मिल जाएंगी जहां पे रेलवे को बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ा है। अभी तक भारतीय रेलवे के नुकसान की एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो 200 करोड़ रुपए तक आ चुकी है। कुछ लोग ट्रेनों को जला रहे हैं, कुछ लोग प्लेटफॉर्म को फोड़ रहे हैं। ये सब करने के बाद आप सच्चे सैनिक बन भी सकते हो या नहीं, आप ही अपने आप से पूछिए। बच्चों के पास अपने गुस्से को दिखाने के लिए और भी अलग तरीके हो सकते हैं हिंसा को छोड़ के। कितने सारे टीचर हैं जो डिजिटल स्ट्राइक करते हैं ताकि बच्चों को उनका हक मिल सके, लेकिन अगर बच्चा पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने पे उतर आता है तो इसके बहुत सारे अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। आप पर FIR भी हो सकती है। और अगर एक बार भी पुलिस के हत्थे अगर आप लोग पड़ गए ना, तो गवर्नमेंट जॉब का सपना तो छोड़ ही दो। हमारे देश में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो हाँ बेशक आपका अगर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसका आप पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब इतना सारा नुकसान हो गया, रेलवे जल गई, उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री 10% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर अनाउंस किया गया है। आने वाले सालों में होम मिनिस्ट्री के द्वारा या डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी जॉब्स निकाली जाएंगी उसमें 10% तक अग्निवीरों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि सरकार इन सभी चीजों को कैसे रेक्टिफाई करती है। सो एट द एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।